your script. We have done our chapter 7. Today we will start our new chapter. So I will introduce your new chapter. Lesson 3, food for health. आप इसमें हम पढ़ेंगे फूड यानी खाना फॉर हेल्थ और हमारे खाने की हेल्थ के लिए कैसा होता है. तो कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हुई. तो फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स इन फूड. अब न्यूट्रिएंट क्या होता है. हम खाना इसलिए थोड़ी ना खाते कि सिर्फ नॉर्मली खाना खाते हैं. हमारे खाने में क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं. तो उनमें से उनको क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को अच्छा करते हैं, हेल्थी रखते हैं. तो उसमें है कुछ मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स. आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं. तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, गिव अस एनर्जी. क्या देता है हमको, एनर्जी. अब आपको पता होना चाहिए आप जो व्हीट खाते हो, राइस खाते हो, तो उसमें आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज सेकेंड इज फैट. फैट जिससे मिलता है गिव अस मोर एनर्जी. ये आपको और ही ज़्यादा एनर्जी देता है. तो फैट में इसके सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे ऑयल हुआ, बटर, मिल्क, घी, चीज़, जितने भी होती हैं सब फैट के सोर्सेस होते हैं. थर्ड इज प्रोटीन. प्रोटीन क्या करता है, हेल्प अस ग्रो. अब आपको पता है मुझे प्रोटीन किस में होता है, तो ये एग में होता है, मिल्क में होता है और पल्सेस में होता है. फोर्थ इज विटामिन. विटामिन हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट करता है. ये विटामिन हमको क्या करता है, फाइट फ्रॉम डिसीजेज और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एबल करवाता है इससे डिसीजेज से लड़ने के लिए तैयार करता है, ठीक है. फिफ्थ इज मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं. जैसे कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा न्यूट्रिएंट्स और इनके बारे में इनके सोर्सेज बता. सेकेंड इज रफेज. रफेज क्या होता है, हेल्थ प्रॉपर फंक्शनिंग. ये हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए काम करता है. और जो हम खाना खाते हैं तो जो अंडा जैसे फूड होता है उसको गैट क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलने का बाहर करवाता है. जो अभी किसके माध्यम से करवाता है, एक तो स्वेट हुआ, दूसरा हमारा यूरिन हुआ, उससे अंडा जैसे फूड को ये बाहर करता है. थर्ड इज वाटर. वाटर क्या होता है, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो हमको दिन में 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. और सबसे बढ़िया जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो 3/4 किसका होता है, वाटर से बना हुआ होता है. फोर्थ इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट होती है प्रॉपर फूड. हम प्रॉपर क्वान्टिटी में फूड खाएंगे उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है. तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. और वीक क्या करती है, हेल्थी ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में और डेवलपमेंट करने में मदद करती है और ये डिजीजेस से हमको बचाती है. तो ये था आज के हमारे वीडियो में ये लेसन था, ठीक है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इसमें फूड और हेल्थ के बारे में.